कोरिया जिले में खड़गवा थाना अंतर्गत डेढ़ वर्षीय मासूम का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिता द्वारा उसके पैसे नहीं दिए जाने से नाबालिग आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने मासूम को जंगल में बांध कर रखा था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है। पिता द्वारा पैसे नहीं दिए जाने से आक्रोशित होकर एक नाबालिग ने उसके डेढ़ वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया। मामला कोरिया जिले का है, जहां खड़गवा थाना अंतर्गत ग्राम मझौली में यह घटना सामने आई। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और मासूम को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी और मासूम का पिता दोनों एक साथ काम करते हैं। अपहृत मासूम का पिता आरोपी से कुछ पैसे लिए थे, जिसे वह वापस नहीं कर पा रहा था। यही वजह है कि अधिक रकम की फिरौती करने की मंशा से आरोपी ने मासूम का अपहरण कर लिया। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब उसने अपराध करना स्वीकार किया। पूछताछ पे नाबालिग आरोपी द्वारा बताया गया कि इसके बाप के साथ काम करता था और इसका कुछ मजदूरी का पैसा वो नहीं दिया था, उसके कारण उठाया और बाद में उसे लगा कि पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसने उसको टेप को बांध के वहाँ रख दिया और 25,000 की मांग करने की नियत बना के रखा था। बच्चा सही सलामत है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।